लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रत्याशियों का नामांकन बीते मंगलवार से ही शुरू हो गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैयारियों का आज जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक एस चिन्नप्पा ने अधिकारियों के साथ जायजा लिया। चुनाव आयोग की मंशा अनुसार चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पहले से ही आचार संहिता के संबंध में सूचित कर दिया गया है और नॉमिनेशन कक्ष में कितने व्यक्तियों की एंट्री होनी है, 100 मीटर की परिधि के अंदर कितने व्यक्तियों की एंट्री होनी है और कितने वाहन हम 100 मीटर की परिधि तक ला सकते हैं, उसके बारे में भी अवगत करा दिया गया और ये सब आचार संहिता से भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। तो जिन पूरे परिसर को हम लोगों ने 16 CCTV कैमरों से कैद किया है और लगभग 8 मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं, और पब्लिक से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सी विजिल के माध्यम से भी पब्लिक भी इसकी नज़र रखें कि किस तरीके से आचार संहिता का पालन किया जा रहा है, और जहां पर भी आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए नज़र आएगा बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अवेयर हैं और हमारे अधिकारी भी अवेयर हैं और नॉमिनेशन हम लोग आयोग के निर्देशों के क्रम में बहुत अच्छी तरह कराएंगे। मैं कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रहा है, तो आयोग के निर्देशानुसार 100 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने, मतलब 5 लोगों को एंट्री कराने की नियम है, उस तरीके से हम लोगों ने बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है और पहले से ही इसको सूचना सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाएगा कि कहां से एंट्री रहेगा और कहां इनका पार्किंग व्यवस्था रहेगी, ताकि एंड मोमेंट में मतलब किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको हम लोगों ने सभी को सूचना भी दे रहे हैं और पार्किंग व्यवस्था भी कर रहे हैं, और 2 हम लोगों ने एंट्री मतलब पॉइंट रखे हैं, 2 रास्ते से आएंगे, बाकी जगह बंद रहेगा। और इसको जो रूट डाइवर्जन करने के लिए, जो हम लोगों का जो आम जनता की जो आने जाने की व्यवस्था को रूट डाइवर्जन रखे हैं, उसका भी आज आप लोगों के माध्यम से सभी जनता को दिया जाएगा।